स्टार्ट। महोदय, मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू उनके एकमात्र पुत्र थे। उनके दो कन्याएं भी थीं। उनकी बड़ी बेटी का नाम विजयलक्ष्मी था, जो आगे चलकर विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी छोटी बेटी का नाम कृष्णा था, जो बाद में कृष्णा हटी सिंह कहलाईं। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी वकालत छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कार्य किया था। 1923 में उन्होंने देशबंधु चितरंजन दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित आखिरी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जितना सुखद है उससे भी ज़्यादा स्वागत योग्य है कि इस समूह के देश इजराइल हमास संघर्ष के जल्दी ख़त्म होने की उम्मीद रखते हैं। भारत की प्रेरणा से बुधवार को आयोजित वर्चुअल या आभासी शिखर सम्मेलन में दुनिया के अनेक दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा है कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है गाजा में इजराइल और हमास के बीच छिड़ा संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में न बदलने पाए। जिन छोटे किसानों को वित्तीय मदद की दरकार है उनके लिए स्थानीय तंत्र को अधिक संवेदनशील बनाए। केंद्र से आर्थिक सहूलियतें हासिल करने के लिए भी सरकारों में एक दूसरे पर कुछ भरोसा होना चाहिए। केंद्र व पंजाब समेत दिल्ली से लगे अन्य राज्यों की सरकारें भी NCR के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिनियम 2017 के धारा 184 का प्रथम और द्वितीय परंतु सपठित तृतीय परंतु नियुक्ति के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित करने के संबंध में MBA के निर्णय पर अभिभावी प्रभाव रखता है और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रत्येक पद के लिए दो नामों की सिफारिश के संबंध में धारा 187 एवं HRA के भुगतान तथा
तीन महीने के भीतर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता संबंधी प्रावधान भी असंवैधानिक होना घोषित किया जाता है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूँ कि वे इस महामारी के बारे में जन जागरूकता लाने के कार्य में पूरी तरह से हिस्सा लें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने व्यवहार में आवश्यक बदलाव भी लाएं।